सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ दो गेमिंग लैपटॉप्स के बीच में। और ये दोनों जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं ये अराउंड 60,000 के प्राइस ब्रैकेट में आते हैं। और आप लोगों की तरफ से मैं देख रहा था कि जो पहला वाला गेमिंग लैपटॉप है इसको लेके काफी सारे डाउट आ रहे थे और आप लोग एक कह रहे थे कि कंपैरिजन वीडियो बनाओ। तो जो हमारा पहला लैपटॉप है वो Asus VivoBook F571GT AL3190 जो की 62,900 में आता है फ्लिपकार्ट पे। जो हमारा सेकेंड लैपटॉप है Asus TUF A15 FA5061H AL047T। तो अब मैं इस कंपैरिजन वीडियो को शुरू करूंगा और मैं थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग वे में करूंगा। जैसे कि मैं आपको सिर्फ स्पेक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रोज और कॉन बताऊंगा। जैसे मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं कि आपने Asus VivoBook को चूज कर लिया है, तो आपने अगर इसको चूज किया है तो आपको क्या फायदा होगा, क्या प्रोज होंगे आपको चूज करने में और क्या नुकसान होगा, क्या कौन होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ प्रोज के साथ। तो प्रोज जो आपको जो फायदा होगा अगर आप Asus VivoBook F571GT AL3190 चूज करेंगे, पहला क्या फायदा होगा कि आपको इंटेल की तरफ से इंटेल H10 की ऑप्टेन मेमोरी 32GB की लगी हुई मिलेगी जो कि TUF A15 में नहीं मिलती है। तो इससे क्या होगा कि एक ये हाई स्पीड कैश होता है प्रोसेसर और SSD के बीच में। ये जो इंटेल की ऑप्टेन मेमोरी है ये क्या करती है कि जो हमारा बूटअप टाइम होता है उसको और घटा देती है। वैसे भी इस लैपटॉप में SSD तो आती है 512GB की, लेकिन ये फर्दर डिक्रीज कर देती है बूटअप टाइम को और गेम लोडिंग टाइम को, क्योंकि ये कैश मेमोरी जो होती है इसमें अपने थोड़ा सा डेटा स्टोर कर लेती है और ये कोऑर्डिनेट करती है SSD के साथ। तो ये हमें TUF A15 में नहीं देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट जो है वो है Wi-Fi 6 का सपोर्ट। तो जो हमारा VivoBook है इसमें हमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है और जो हमें कार्ड लगा है वो 802.11ax को सपोर्ट करता है, जबकि जो TUF A15 है उसमें Wi-Fi 5 मिलता है और 802.11ac को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा फायदा है। थर्ड प्रोस की बात करूँ तो वो है लाइट वेट। जो हमारा VivoBook है ये अराउंड 2.14kg का है, लेकिन जो A15 है वो अराउंड 2.3kg का है। तो आप देख सकते हैं अराउंड 150 grams आपको हल्का मिल रहा है, तो वो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो प्रोज है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर का। अब ये बहुत लोगों को ये अच्छा लगेगा कि फिंगरप्रिंट सेंसर VivoBook में मिल रहा है जबकि A15 में नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक टिपिकल गेमिंग लैपटॉप की बात करेंगे तो उसमें कोई फिंगरप्रिंट सेंसर का कोई सेंस उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है VivoBook में और इसके साथ ही विंडोज हेलो का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो अब अगर मैं कॉन्स की बात करूं कि आपको नुकसान क्या होगा अगर आप VivoBook ले लेंगे A15 की जगह, तो मैं अब बताता हूं उसके बारे में। तो पहला जो कॉन है वो है 144Hz रिफ्रेश रेट आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो A15 है इसमें जो स्क्रीन है वो फुल HD IPS 15.6 इंच की स्क्रीन है और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जबकि जो VivoBook है ये इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 120Hz और 144Hz में। अगर 60Hz और 144Hz होता तो हाँ मैं जरूर कहता कि बहुत वास्ट डिफरेंस है, लेकिन 144Hz और 120Hz में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसके साथ ही स्क्रीन में एक फायदा और मिलता है A15 में, वहाँ पे हमें एडेप्टिव सिंक्रोनाइज टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है Asus की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसमें Asus कहता है कि जो स्क्रीन है उसका रिफ्रेश रेट हमारा जो FPS मिल रहा है ग्राफिक कार्ड से उससे सिंक्रोनाइज हो जाता है और गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो कौन है वो है प्रोसेसर का। आपको TUF A15 में Ryzen 5 की तरफ से Ryzen 5 4600H का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि VivoBook में i5 9th Gen 9300H का प्रोसेसर देखने को मिलता है। जो Ryzen 5 4600H है ये 6-core 12-thread वाला प्रोसेसर है, जबकि Intel का i5 9th Gen जो है वो 4-core 8-thread है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अब एक 6-core 12-thread का CPU जो है वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा एक 4-core 8-thread के CPU से। और ये जो प्रोसेसर है ये i5 9th Gen को तो आप छोड़ो, ये i7 9th Gen को इजीली बीट करता है और ये मोर देन 20% फास्टर है i5 9th Gen से। अगर आप मल्टी कोर की बात करेंगे तो उसमें तो बस पूछो ही मत कितना फास्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। और अभी के लैपटॉप्स में जो आने लगा है ये अराउंड 2 years तक लैपटॉप्स में आएगा और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा जो कौन है वो है कि डिजाइन का। जो A15 है इसमें एक गेमिंग डिजाइन देखने के लिए मिलता है, जो पीछे आपको पैनल है उसपे गेमिंग टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा और दो टेक्सचर्स में आता है A15। साथ में जो कीबोर्ड है वो भी RGB है, तो आपको एक गेमिंग वाली फील मिलती है। लेकिन जो VivoBook है उसमें आपको एक प्रोफेशनल लुक देखने के लिए मिलता है। कलर भी सिंगल टोन वाला है, थोड़ा ग्रेश कलर है और बैकलेट भी सिंगल बैकलेट है व्हाइट कलर की, तो बहुत ज्यादा गेमिंग वैसा डिजाइन नहीं है। तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस भी है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बता दूं। अब नेक्स्ट जो है ये प्रोसेसर के ऊपर ये कौन, जो प्रोसेसर है Ryzen 5 का, इसमें आप वीडियो एडिटिंग और स्ट्रीमिंग अगर आप करना चाहेंगे तो ये i5 9th Gen से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको। तो ये मैं प्रोसेसर में बताना भूल गया था इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। अब नेक्स्ट जो कौन है
वो है रैम का। जो रैम की फ्रीक्वेंसी यूज की गई है TUF A15 में वो 3200 मेगाहर्ट्ज वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी रैम है। और जो गेमिंग पीसीज होते हैं उसमें लोग मोस्टली यूज करते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज की, और गेमिंग लैपटॉप्स में तो अब इस साल से आने लगा है ये 3200 मेगाहर्ट्ज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो वीवो के उसमें 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है, साथ में जो एक्सपेंडेबल रैम है वो भी TUF A15 में आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम डुअल चैनल में। लेकिन वीवो बुक में आप सिर्फ 16 GB तक TDR 2400 मेगाहर्ट्ज तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं। अराउंड 800 मेगाहर्ट्ज का फर्क है रैम फ्रीक्वेंसी में, तो बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है, इसलिए आप समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट में कौन की बात करूं तो वो है कूलिंग का। जो वीवो बुक है उसमें कूलिंग बहुत अच्छी नहीं मिलती, मतलब मेरे पास पर्सनली वीवो बुक है ASUS की तरफ से वीवो बुक, लेकिन मेरे पास BQ6190 वाला है i5 8th gen वाला। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कूलिंग बहुत ही अच्छी नहीं है, एक गेमिंग लैपटॉप की वाली जो कूलिंग वाली फीचर होता है वो उतना नहीं है। डुअल फैन है लेकिन बहुत अच्छी कूलिंग नहीं है। और TUF 15 में लेकिन आप बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी कूलिंग आपको मिलेगी, साथ में एंटी डस्ट फैन है, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो वो है ग्राफिक कार्ड। जो ग्राफिक कार्ड का कौन होगा, जो हमारा जो A15 है इसमें आपको GTX 1650 तो मिलेगा, लेकिन वो GDDR6 वाला मिलेगा। और जबकि जो हमारा ये ASUS Vivo F501 इसमें आपको 1650 तो मिलेगा ग्राफिक कार्ड, लेकिन वो GDDR5 वाला होगा, जो थोड़ा 2019 का एक साल पुराना है। तो जो GDDR6 है वो अराउंड 5% फास्टर होगा GDDR5 से, और आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देगा। अगर मैं नेक्स्ट कौन की बात करूं तो वो है बैटरी। और ये बहुत ही बड़ा पैरामीटर होता है बहुत लोगों को डिसाइड करने में कि वो कौन सा लैपटॉप ले। तो जो बैटरी A15 में है वो बड़ी है, वो 48 वाट आर की है 3 सेल की बैटरी, जबकि जो हमारा ASUS Vivo है इसमें 42 वाट आर की 3 सेल की बैटरी है। और इसीलिए जो बैकअप है आप वो समझ सकते हैं कि A15 में थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको, सो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है पोर्ट की। जो पोर्ट है वो भी A15 में काफी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, हमें 2 USB 3.2 Gen 1 देखने के लिए मिलते हैं और 1 USB 2.0, जबकि जो Vivo Book है उसमें हमें 2 USB 2.0 देखने को मिलता है और 1 USB 3.2। तो पोर्ट के मामले में भी A15 ज्यादा बेटर रहेगा। अब लास्ट जो बात है, लास्ट जो कौन है कि जो A15 है इसमें हमें हार्ड डिस्क एक्सटेंडर और स्पेयर स्क्रू साथ में आता है, हमारे लैपटॉप के साथ हमें मिलते हैं। तो अगर फ्यूचर में आप कभी हार्ड डिस्क को एक्सटेंड करना चाहेंगे तो आपको और कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हार्ड डिस्क खरीद लीजिएगा जो आपको पसंद हो, जितनी भी स्टोरेज की कैपेसिटी की जो चाहिए, और आप इजिली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको एक गेमिंग लुक वाला लैपटॉप पसंद है जिसकी कूलिंग आपको अच्छी चाहिए, साथ में आपको परफॉर्मेंस भी एक हाई एंड पे चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप A15 के साथ जाइए। और क्योंकि इसमें बैटरी भी अच्छी है, साथ में इसमें गेमिंग लुक मिलता है, इसमें परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा CPU लगा हुआ है, इसका ग्राफिक कार्ड भी GDDR6 वाला है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें। लेकिन अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो आपके पर्सनल नीड्स को फुलफिल करे, जो एक प्रोफेशनल लुक के साथ आए, जिसको आप ऑफिस में लेके जा सकते हो, तो आप वीवो बुक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है और इसका लुक भी थोड़ा प्रोफेशनल है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात हो गई, तो इसके बाद मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों लैपटॉप्स के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, और होप टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।